मैनेजिंग जॉब वर्क एंट्रीज फॉर GSTR ITC-04। इस प्रेजेंटेशन में हम जॉब वर्क एंट्रीज के लिए जो आप GSTR ITC-04 रिटर्न फाइल करेंगे उसकी एंट्रीज के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से आप जॉब वर्क पहले एनेबल करेंगे, जॉब आईडी मैनेज करेंगे, मटेरियल इश्यू मटेरियल रिसिप्ट वाउचर्स एंटर करेंगे या फिर परचेस वाउचर भी आप एंटर कर सकते हैं एंड देन ई रिटर्न जनरेट करेंगे। सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन फीचर्स ऑप्शंस इन्वेंटरी टैब में जाते हैं। यहाँ पे एनेबल जॉब वर्क ऑप्शन को हम एनेबल करेंगे। कॉन्फ़िगर बटन प्रेस करेंगे जॉब वर्क को एनेबल करने के लिए। यहाँ एडजस्ट जॉब वर्क एंट्रीज एंड परचेस वाउचर ऑप्शन को हमने एनेबल किया एंड मेंटेन जॉब आईडी को एनेबल किया। जॉब आईडी मेंटेन करना मस्ट है इसमें। परचेस वाउचर में जब हम जॉब एंट्रीज को एडजस्ट करने के लिए जो ऑप्शन हमने एनेबल करी है वो इसलिए है कि यदि आप मटेरियल रिसीव करते हैं या परचेस करते हैं दोनों के लिए ही अलग कॉलम है रिपोर्ट में, तो यदि आप परचेस की एंट्री को रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं तो आपको ये ऑप्शन एनेबल करनी पड़ेगी। इसके बाद हम ट्रांजेक्शन्स में मटेरियल इश्यूड टू पार्टी वाउचर में गए, डेट स्पेसिफाई करी, वाउचर नंबर टाइप हमने लिया इश्यूड फॉर जॉब वर्क, पार्टी सिलेक्ट करी, जॉब आईडी बाय डिफॉल्ट आ रही है, डिलीवरी डेट आप यहाँ पे एंटर करेंगे कि गुड्स डिलीवर्ड कब होंगे, आइटम सिलेक्ट करी, कितनी क्वांटिटी हमने दी है इश्यू करी है जॉब वर्क के लिए वो हमने स्पेसिफाई करी एंड उसके बाद सेव बटन प्रेस किया मटेरियल इश्यूड टू पार्टी वाउचर को सेव करने के लिए। नेक्स्ट जब ये गुड्स हमें रिसीव होंगे तो हम मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी वाउचर एंटर करेंगे। हम मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी वाउचर में गए, डेट स्पेसिफाई करी, टाइप हमने सिलेक्ट किया रिसीव्ड आफ्टर जॉब वर्क, पार्टी सिलेक्ट करी, आइटम हमने स्पेसिफाई करी, कितना क्वांटिटी हम रिसीव कर रहे हैं वो हमने स्पेसिफाई करी और यहाँ पे देखिए मटेरियल कंज्यूम्ड इन जॉब वर्क विंडो अपीयर हुई। यहाँ पे सबसे पहले आप जॉब आईडी सिलेक्ट करेंगे कि किस जॉब आईडी के अगेंस्ट में ये गुड्स आपने रिसीव किए हैं, ये एंट्री को एडजस्ट करना है। हमने जॉब आईडी 6 क्रिएट करी थी उसको हमने सिलेक्ट किया, यानी कि जॉब आईडी 6 के अंदर जो हमने गुड्स इश्यू किए थे जॉब वर्क के लिए वो अब हमें रिसीव हुए हैं। इसके अलावा यदि आप चाहें तो आप परचेज की एंट्री भी एंटर कर सकते हैं। यदि आप परचेज वाउचर एंटर करते हैं तो ये अलग से रिपोर्ट में परचेज सेक्शन के अंदर नजर आएगी और मटेरियल रिसीव जो है वो मटेरियल रिसीव्ड के कॉलम के अंदर डिस्प्ले होगा। परचेज वाउचर में भी हमने हेडर से जुड़ी डिटेल्स बताई, आइटम स्पेसिफाई करी और यहाँ पे मटेरियल कंज्यूम्ड इन जॉब वर्क विंडो अपीयर हुई जहाँ पे अगेन हमने जॉब आईडी स्पेसिफाई करी कि इस जॉब आईडी के अगेंस्ट में गुड्स हमें रिसीव हुए हैं, बेसिकली हमने परचेज करे हैं ये गुड्स। तो इस तरीके से आप परचेज की एंट्री करेंगे, यहाँ पे बिल्स एंट्रीज अप्लाई करेंगे, लोकल की ट्रांजेक्शन है तो CGST SGST हमने अप्लाई किया, ओरिजिनल परचेज नंबर बिल डेट आप बता सकते हैं एंड सेव बटन प्रेस करेंगे वाउचर को सेव करने के लिए। अब हम रिपोर्टिंग पार्ट में जाते हैं, डिस्प्ले में जीएसटी रिपोर्ट्स में जीएसटी रिटर्न्स में हम जीएसटीआर ITC-04 ऑप्शन में गए। बिजी ने पूछा मैन्युफैक्चरर टू जॉब वर्कर और जॉब वर्कर टू मैन्युफैक्चरर कौन सी रिपोर्ट आपको व्यू करनी है, आप एज पर योर रिक्वायरमेंट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ मैन्युफैक्चरर टू जॉब वर्कर ऑप्शन सिलेक्ट करी, स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट बताई एंड ये देखिए स्क्रीन पे जीएसटी ITC-04 मैन्युफैक्चरर टू जॉब वर्कर रिपोर्ट आपको नजर आ रही है। इसमें सारी डिटेल्स हैं लाइक आइटम नेम क्वांटिटी टैक्सेबल वैल्यू। इसके बाद नेक्स्ट हम जॉब वर्कर टू मैन्युफैक्चरर के लिए ही यही रिपोर्ट व्यू करते हैं, स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट स्पेसिफाई करते हैं एंड आप स्क्रीन पे जीएसटी ITC-04 जॉब वर्कर टू मैन्युफैक्चरर के लिए व्यू कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम GSTR ITC-04 ई रिटर्न ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे ई रिटर्न जनरेट करने के लिए। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर हमने फॉर्म मंथ एंड टू मंथ बताया, हेयर बिजनेस आस्किंग फॉर ई रिटर्न टेम्पलेट फाइल पाथ। ई रिटर्न टेम्पलेट फाइल अभी हमारे पास नहीं है, इसके लिए हम गवर्नमेंट के पोर्टल पर जाएंगे gst.gov.in पे। यहाँ पे आप डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे एंड ITC-04 ऑफलाइन टूल ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अगेन डाउनलोड ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, पहले पूछा गया कि आर यू श्योर यू वांट टू डाउनलोड दिस, यस हमें डाउनलोड करना चाहते हैं एंड आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं ITC-04 ऑफलाइन टूल यूटिलिटी जो है डाउनलोड हो रही है। आई कंप्यूटर्स में डाउनलोड्स फोल्डर में आप गए तो ITC-04 ऑफलाइन ये फाइल आपको नजर आ रही है, zip फाइल है, आप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कॉपी किया इस फाइल को और अब इस फाइल को आप सी बिज इवेंट टेम्पलेट फोल्डर में कॉपी करेंगे, यानी कि जो ITC-04 ऑफलाइन यूटिलिटी जो कि RAR या ZIP फॉर्मेट में आई थी उसे एक्सट्रैक्ट किया एंड देन उसको कॉपी करके टेम्पलेट फोल्डर में बिज इवेंट के टेम्पलेट फोल्डर में पेस्ट किया। अब हम अगेन बिजी में आए ई रिटर्न टेम्पलेट फाइल पाथ में, हमने टेम्पलेट फोल्डर का ही पाथ दिया एंड ई रिटर्न फाइल पाथ में बताया कि कहां पे ई रिटर्न फाइल जनरेट होगी। ओके बटन प्रेस किया तो ये देखिए बिजी ने ई रिटर्न फाइल जो है जनरेट कर दी। आप डेस्कटॉप पे देख
देख सकते हैं ये एक्सेल फाइल जनरेट हुई है। इस फाइल को यदि हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स हैं सारी आपकी। यहाँ पे आप वैलिडेट शीट बटन को क्लिक करेंगे। देखिए हमने वैलिडेट शीट बटन को क्लिक किया तो एक एरर मैसेज आ गया कि जो रेड कलर में जो कॉलम है वहाँ पे आपको कुछ वैल्यू एंटर करनी है, बेसिकली डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स यहाँ पे एंटर करना है, ब्लैंक आप ये लीव नहीं कर सकते। सभी कॉलम्स में आप डिस्क्रिप्शन एंटर करेंगे कि जितने भी कॉलम्स हैं सब में हमने डिस्क्रिप्शन एंटर किया एंड उसके बाद अगेन वैलिडेट शीट बटन क्लिक किया तो मैसेज आ गया कि शीट हैज बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली। इसके बाद नेक्स्ट शीट में हम गए, यहाँ पे भी हमने वैलिडेट शीट बटन को क्लिक किया तो अगेन वही मैसेज आ गया कि कॉलम्स रेड कलर में शो हो रहे हैं उनमें डिटेल्स एंटर करना मैंडेटरी है। तो यहाँ पे अगेन हम डिस्क्रिप्शन एंटर करेंगे, यहाँ पे अगेन हम डिटेल्स एंटर करेंगे। देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स यहाँ पे भी एंटर नहीं है, आप ये ध्यान रखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स आपको खुद ही एंटर करना है मैनुअली, ये कहीं से पिक होकर नहीं आ रहा, मैनुअली आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स जो है एंटर करना है। वैलिडेट शीट बटन को क्लिक किया एक मैसेज आ गया कि शीट हैज बीन सक्सेसफुली वैलिडेटेड। इसके बाद नेक्स्ट बटन को क्लिक करें एंड जेनरेट जेसन फाइल टू अपलोड बटन को आप क्लिक करेंगे। इस बटन को क्लिक करते ही मैसेज आया कि ये प्रोसेस जो है कुछ एक टाइम ले सकता है, प्लीज वेट एंड देन एक्सपोर्ट प्रोसेस इज कम्प्लीट। अब पाथ स्पेसिफाई कर दीजिए जहां पे ये जेसन फाइल जो है सेव हो जाएगी। तो हमने यहाँ डेस्कटॉप पे ये जेसन फाइल को सेव कर लिया। आप डेस्कटॉप पे देख सकते हैं जेसन फाइल जो है आपकी क्रिएट हो गई ITC-04 के लिए। ये था हमारा प्रोसेस ITC-04 जनरेट करने के लिए कि किस तरह से आपको जॉब वर्क एनेबल करना है, जॉब आईडी मेंटेन करनी है, मटेरियल इशू रिसिप्ट के वाउचर्स एंटर करने हैं, यदि आप परचेज का वाउचर एंटर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, देन कैसे ई रिटर्न बिजी से ITC-04 के लिए आप जनरेट करेंगे। होप इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आप इजीली ITC-04 जनरेट कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें।